बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की दोस्ती काफी अच्छी है। अक्सर इनकी दोस्ती के सबूत सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। हाल ही में अर्जुन कपूर ने हेराफेरी के सीक्वल में रणवीर सिंह के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। इसके अलावा अर्जुन ने कहा कि वो अपने गुंडे पार्टनर के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी पिक्चर में भी काम करना चाहते हैं। हाल ही में रंगोली ने अपने सपनों के आशियाने को बसाया है, जिसमें उनकी मदद उनकी बहन और एक्ट्रेस कंगना ने की है। हाल ही में गृह प्रवेश की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें कंगना अपने भांजे पृथ्वी का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। साल 2010 में सलमान खान के साथ दबंग से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली सोनाक्षी सिन्हा आज अपना 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। लॉकडाउन के बीच परिवार के साथ ही सोनाक्षी वक्त बिता रही हैं। सोनाक्षी ने अपने करियर में कई अच्छी और बड़ी फिल्मों में काम किया है। फैंस भी सोनाक्षी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। हाल ही में करीना ने काफ्तान पहने अपनी एक फोटो शेयर की। कैप्शन में करीना ने लिखा, काफ्तान सीरीज। इस फोटो पर रणवीर सिंह ने लिखा, काफ्तान सीरीज को करीना ने नहीं बल्कि काफ्तान सीरीज ने करीना को पकड़ा है। जिसके बाद करीना भी मस्ती मजाक में रणवीर का जवाब देती नजर आई। बेबो ने लिखा, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता अगली बार तुम्हें पकड़ ले। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने सोमवार को अपना नया प्रोडक्शन हाउस गुड बैड फिल्म लॉन्च किया। अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले अनुराग फिल्म चोक्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मनोज बाजपेयी स्टारर अलीगढ़ और वेब सीरीज मेड इन हेवन की कहानी लिखने वाले राइटर अपूर्व और सिद्धांत ने अपने रिलेशनशिप से पर्दा उठा दिया है। दोनों पिछले 13 साल से एक दूसरे को कजन बताते नजर आ रहे थे, लेकिन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर एक घर लिया है। नेम प्लेट पर दोनों का नाम लिखा है। बेबाकी से स्टार्स ने अपने रिश्ते को कबूल भी किया है। हाल ही में वॉर में नजर आई एक्ट्रेस वाणी कपूर ने टाइगर श्रॉफ को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टैग करके उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा, जिसको लेकर टाइगर श्रॉफ ने कहा कि वो वॉर के सीक्वल में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों ने बहुत कुछ झेला। धीरे धीरे वो अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बुरा दौर उनको हमेशा याद रहेगा। हाल ही में सैफ अली खान ने भी प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, हम और आप सच में बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को बहुत कुछ सहना पड़ा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक दूसरे की खबर तो होती ही है, अब ये बात अलग है कि वो इसे जाहिर करें या ना करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। एक सवाल पर अनन्या ने कहा, रणबीर कपूर, करीना कपूर और करण जौहर बॉलीवुड की गॉसिप गर्ल्स हैं, जिन्हें सबके बारे में सब पता होता है। टाइगर श्रॉफ के बचपन की फोटोज उनकी माँ अक्सर सोशल मीडिया के जरिए शेयर करती रहती हैं। हाल ही में टाइगर की माँ आयशा श्रॉफ ने टाइगर और उनकी बहन कृष्णा की बचपन की फोटो शेयर की। दोनों इस फोटो में काफी क्यूट लग रही हैं। इस फोटो को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है।